हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैम स्क्वायर मैरिज। आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। आपको भी दिखाते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। आप सभी बताना आप लोग कैसे बनाते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी रेसिपी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने दाल और चावल को मिक्स करके भिगो दिया था। दाल और चावल का रेशियो 3 कप चावल 1 कप दाल है, और उसे अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। आप चाहें तो उसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। भिगोने के बाद कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसे पीस लिया है। ना इसे ज़्यादा मोटा पीसेंगे, ना ही ज़्यादा पतला पीसेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। अब इसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे रात में पीस कर रख दिया था, और अब ये फर्मेंट हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, ये फूल की डबल हो गया है। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस प्रकार हो गया है गया। अभी बहुत गाढ़ा है, इसे जब बनाएंगे तब इसमें पानी मिला के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, बीन्स को काट लिया है, और ये है अरहर की दाल। सांभर बनाने में इसे भी हम यूज़ करेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जियाँ ऐड करेंगे। आपके पास जो सब्जी हो आप वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास यही थी। अब दाल ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे जिससे कि ये जले नहीं। अब इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगाएंगे। अब इसे पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अब हम इमली लेंगे, इमली में पानी डालकर इसे बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं 3 सीटी लगने के बाद ये पक गया है। अभी मैंने इसकी फ्लेम स्लो कर दी है, और ये देखिए कुछ इस प्रकार हो गया है। अब हम इसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे। मैं अंदाजे से सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नाप कर भी डाल सकते हैं, या अंदाजे से भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमली का पल्प बॉयल होकर कुछ इस प्रकार हो गया है। अब इसे हम सांभर में ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। अब इसे चला देंगे और फ्लेम हाई कर देंगे। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हम इडली की तैयारी करते हैं। इडली के बैटर को हमने एक दूसरे बर्तन में पलट लिया है। अभी ये बहुत गाढ़ा है, इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी और बैटर अलग अलग ना रहे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब ये हमारा बैटर रेडी है इडली बनाने के लिए। अब हम इडली के बर्तन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने हाथ से ही ग्रीस कर लिया है। अब उसमें बैटर पोर करेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर है, एक साथ गिरता चला जा रहा है। इसी तरह से सारी प्लेट्स फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेट्स फिल कर ली हैं। इडली का बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक एक करके इसकी सारी प्लेट्स अरेंज कर देंगे। इसे ढककर हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे। और 5 से 7 मिनट बाद चेक करेंगे। तड़का पैन लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे, उसमें राई, लाल मिर्च और करी पत्ता का छौंक लगाएंगे। तेल गर्म हो गया है, चलिए छौंक लगाते हैं। जब इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तब इसे बंद कर देंगे और सांभर में ऐड करेंगे।
सांभर बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। आइए देखते हैं, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। जितना देखने में यमी लग रहा है उतना ही खाने में भी है। हमारी इडली रेडी हो गई है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। आप इसे स्पून से भी निकाल सकते हैं और आप इसे फिंगर से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं कितनी ईजली निकला है और ये बहुत ही फ्लफी बनी हुई है। चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय गाइस।